By the way, that's my building. Hey guys, welcome back to my channel. ये video होने वाली है मेरा house tour in Vancouver. I'm very excited to show you guys finally, क्योंकि अब मैं काफी महीनों बाद settle down हो चुका हूँ यहाँ पे. मैंने पहले video बनाई थी I guess 5 months पहले, जब मैं यहाँ पे आया था. मैं North Van में रह रहा था, service apartment में, लेकिन वो जगह मैंने काफी जल्दी छोड़ दी थी. तो downtown में shift करने के बाद भी मेरे साथ बहुत सारी कहानियाँ हुई. I saw over maybe 60 houses. और मैंने यहाँ पे एक जगह शिफ्ट किया भी था. शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. वो घर फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे पार्किंग का गेट था उस पर. तो पार्किंग का गेट एवरी टाइम somebody यूज़ टू कम इन, द गेट यूज़ टू गो अप एंड माई रूम यूज़ टू वाइब्रेट. थैंकफुली मेरी जो वो थी मैनेजर थी बिल्डिंग की, उससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. और उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको नहीं एडजस्ट हो रहा है तो मैं आपको फोर्स करके यहाँ नहीं रखूंगी. शी रिटर्न्ड एवरीथिंग बैक. मतलब यहाँ पे बॉन्ड साइन होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपके पैसे कोई वापस नहीं देता है. स्टेड देयर फॉर लाइक 7-8 डेज एंड आई लेफ्ट दैट हाउस. शी डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम मी. यहाँ पे डाउनटाउन में घर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. You need to have a credit score, you need to have references, you need to have a guarantor, to have a very good job offer from a very big company where you are earning like $100,000s and this and that. मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था. Like obviously I came as a student and I did not have any credit score here, right? So बहुत मुश्किल था मेरे लिए घर मिलना. बट देन माई रूममेट हैड सम रेफरेंस जो कि उसने लगाया और फिर हमें ये घर मिला. और यहाँ पे भी मिलने के बाद वी हैड टू पे 3 months का एडवांस हमें रेंट देना पड़ा था. अभी मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ. पहले मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ऊपर. ये पूरा कोर डाउनटाउन में है. पहले मैं आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ, कहाँ पे बिल्डिंग है ये है वो है. और उसके बाद आई टेक यू अपस्टेयर्स टू माय हाउस. दिस इज द आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग. ये है वो बाहर की जगह. ये मेरे बिल्डिंग के बाहर का है जिसमें बहुत अच्छा व्यू आता है. यू गेट लाइक अ स्पेसिफाइड की दैट यू कैन यू नो प्रेस ऑन द बजर और आप सिर्फ अपने फ्लोर पे जा सकते हो और आप कहीं और नहीं जा सकते हो किसी और फ्लोर पे. एंड ऑब्वियसली नोबडी कैन एंटर द बिल्डिंग. दिस इज वंस यू एंटर, ये वो कॉरिडोर है जहाँ पे मैं रहता हूँ. वेलकम टू माई हाउस यू गाइज. तो मेरे घर के कुछ रूल्स हैं अंदर आने से पहले. पहला रूल ये है, टेक ऑफ योर चप्पल्स हियर, यू द चप्पल्स कैन नॉट गो. यहाँ पे ये पूरा क्लोजेट बना हुआ है चप्पल रखने का अपना. आपको चप्पल यहाँ पे रखनी पड़ेगी. अब यहाँ पे आते ही देयर इज अ कबर्ड राइट हियर. तो जब आप इसको खोलोगे इसमें है हमारे वॉशर और ड्रायर, विच इज लाइक रियली कूल, राइट? मतलब इसका अलग ही पूरा एरिया बना हुआ है. यहाँ पे आयरन बोर्ड वगैरह रखा हुआ है जिससे अगर आयरन करना हो, कुछ भी करना हो तो ये आप कर सकते हो. ये एक कबर्ड है, ठीक है? तो एक और कबर्ड है यहाँ पे, विच इज राइट हियर. आई एम हियर, हाय. सो दिस इज द सेकंड कबर्ड. दिस इज बेसिकली फॉर योर कोट चेक. मतलब जो भी आपके घर पे लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है लेकिन अंदर से कमरे वगैरह चीजें गर्म होती हैं, राइट? सो यू जस्ट टेक द कोट और आप एक हैंगर निकालो, इसमें टंगा के आप रख दो, फिर जब वो जाने वाले होते हैं तो आप कर दो. तो हमने अब इसको थोड़ा मैसी बनाया हुआ है क्योंकि ये मतलब स्टोरेज एरिया की तरह ही है हमारे लिए. फुल लेंथ मिरर भी है जिसमें आप मतलब यू कैन चेक योर आउटफिट, यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग विद यू, हाउ यू लुकिंग एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस यू कैन डू हियर, व्हिच इज लाइक प्रीटी कूल, राइट? एंड यहाँ पे ऑन योर राइट, लाइक एज सून एज यू एंटर ऑन योर राइट, देयर इज लाइक एन ओपन किचन. दिस एवरीथिंग लाइक राइट, देयर इज द गैस स्टोव, देयर इज अ माइक्रोवेव, देयर इज एन ओवन एंड देयर इज अ डिशवॉशर. तो हर चीज़ है एंड एवरीथिंग इज अ वेरी गुड क्वालिटी. लाइक ये ऐसे बहुत ही बेकार नहीं बना हुआ है. द वुड एंड एवरीथिंग, यू नो, इट्स रियली गुड, लाइक वेरी गुड क्वालिटी. एंड दिस इज ऑब्वियसली द फ्रिज. इसमें फ्रिज में अलग अलग सामान, हमारा फ्रिज हमेशा भरा रहता है. एंड फ्रीजर भी, काफ़ी सामान इसमें इस भी है. तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? लाइक यू हैव योर फ्रिज, यू हैव योर फ्रीजर, टोस्टर, और इसमें सब कुछ है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब इस घर में इट्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, फ्रॉम कैरिंग योर डब्बास टू योर दाल वाले डब्बे, ये वो हर चीज़ है इस घर में. और अलग अलग कबर्ड में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं हम लोगों ने. जितनी भी किचन यूटिलिटीज, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, देयर इज लाइक एवरीथिंग इन द हाउस. दिस इज द वॉशिंग एंड ड्राइंग एरिया जहाँ पे हम लोग, ये इतना यूज़ नहीं होता बिकॉज वी हैव अ डिश वॉशर, वी यूज दैट. बट कभी कभी 2-3 होते हैं अगर यूटेंसिल्स, सो आई जस्ट ट्राई टू लाइक की क्लीन इट फ्रॉम माई हैंड, बट आई हेट डूइंग इट. बट एनी वेज करना पड़ता है कभी कभी. दिस इज द एयर फ्रायर, ये हम लोगों ने लिया हुआ है. अब देखो इसमें सब कुछ है. वी हैव द वाइन ग्लासेस, पूरे बार का जो भी सामान होता है सब कुछ है. इट्स लाइक अ प्रॉपर हाउस जिसमें आपको सब कुछ जरूरत पड़ती है. बस घर में मम्मी पापा नहीं है लेकिन वैसे पूरा प्रॉपर है. और like there's everything, all kind of sets,
each and everything. This is the hall area. This is where we actually hang out and all that stuff. So this is a common area. Obviously, वो उसके मेरे बीच में share होता है. Here we have, you know, a sofa. There's a couch and there are paintings and all that stuff. And there is a mini bar over here. यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा mini bar बनाया हुआ है, जो कि कभी-कभी use होता है when there are like people coming over and this and that. So we have that and we have a Nespresso की coffee machine as well. बनानी है बना लो. यहाँ पे भी cupboard है, जहाँ पे हम लोगों ने अपने breakfast के cereals वगैरह रखे हुए हैं. This dining table is fabulous. Like you can actually convert this 4 का dining table into 8. This is a convertible dining table. पे mirror लगा हुआ है, there's a watch and TV है. TV के नीचे भी, you know, there are utilities and stuff. We have some cards if you want to play cards and all that stuff. And ये कुछ decoration की चीजें हैं जो तुम, मतलब अगर कोई आया है then you can definitely keep this outside. It looks pretty nice. Candle stands हैं, ये सब चीजें. Over here as well, we have some crockeries that you can use when once your guests are over and something like that. Or is TV mein, it's an internet TV, so isme sab kuch aata hai, Netflix, Amazon Prime, ye wo. So it's pretty nice if you want to just, you know, sit here, watch a movie and all that stuff. So pretty good. And this view is fabulous. The mirror is obviously not clean because they are supposed to come and clean it from outside. And somebody will come and clean it from inside as well. Hum log kisi ko bulayenge. And this is the view from the hall area. So, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है. यहाँ से you can see the sea, which is the best part of this apartment. And over here, you can actually see the mountains. Really, like when I saw the apartment, I saw the view and I was like, listen, done. I don't need anything else. This is what where I want to wake up every day. This is the view where I want to sit and have my breakfast. I mean, obviously, if you sit here and you have this sea view and then you are having your breakfast, it just gives you a very nice and positive vibes and energy, right? Okay, तो यहाँ पे rooms है. ये मेरा room है, left वाला, right वाला उसका room है. वो हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो उसका private space है. उसमें हम definitely नहीं जा सकते हैं. So let's go to my room. So this is my room. This is where I sleep and I have a little fan over there because बहुत गर्मी होती है वैंकूवर में. मतलब अब होने लगे पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन यहाँ पे कभी गर्मी नहीं होती थी. गाइस, कनाडा इज सपोज टू बी लाइक वेरी ठंडा, राइट? लाइक इट्स फेमस फॉर दैट, करेक्ट? बट देन अब गर्मी होने लग गई है एंड पूरा आप देखोगे तो सन आता है पूरा मेरी उसमें और रूम में एंड इट गेट्स प्रीटी हॉट. सो आई हैव अ लिटिल फैन ओवर देयर. दिस इज माय रूम, दिस इज वेयर आई स्लीप एवरी डे. And this is the same view, right? Like आपको पूरे घर में से आपको same view दिखेगा. मैंने थोड़े से showpiece रख लिए हैं. I have my YouTube button, I have some gifts for Instagram, the lamp and the fan. मैंने basically वाला table रख दिया था, which has a lot of my stuff. It has my cosmetics, it has my other things like underwear and all that stuff. क्योंकि वो सब चीजें handy रखनी पड़ती हैं. And these are जिसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं रोज यूज करता हूँ, जैसे आई विल हैव टू टेक मल्टीविटामिन एंड ऑल दैट स्टफ, सम मूव्स एंड ये वो. ये पानी की बॉटल है जो मैं ऑब्वियसली पानी पीता हूँ. दिस इज द पेंटिंग आई हैव इन माय रूम, सिल्वर काइंड ऑफ अ पेंटिंग. आई थिंक इट लुक्स प्रीटी नाइस विद द थीम दैट आई हैव. एंड ये बेड एरिया है तो इसी के यहाँ पे ही, दिस इज लाइक दिस वॉल इज एंटायरली मिरर. ये पूरा मिरर है ऐसे, विच इज प्रीटी कूल. ये देखो, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. ये देखो कितनी बुरे हाल हुए पड़े, मतलब कपड़े लिटरली बाहर निकल रहे हैं. There's like a lot of clothes, a lot of them. So ये तो मैं अभी खोलना भी चाहता हूँ because I really need to like work on my cupboard. ये जो apartment है, it's basically a 2-bedroom, 2 washrooms and the storage area, right? I can't let anyone go into my washroom and I can't let anyone sleep in my bed unless it's someone like really close to my heart that has to be there. नहीं तो मेरे बिस्तर पे मैं किसी को बैठने भी नहीं देता हूँ बिल्कुल भी. एंड मेरे अगर फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं so they only come outside. I don't get them in my room and nobody has ever other than me has slept in my room and I don't like it. I'm sorry, मतलब मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद है मेरे बेड में कोई और सोए मेरे अलावा. मतलब मेरे फैमिली वाले सो सकते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सो सकते हैं, बस और कोई नहीं सो सकता है. मेरे रूम से बाहर जाने के बाद ही यहाँ पे इसका रूम है जिसमें मैं नहीं जाता हूँ बिल्कुल भी. मैं अवॉइड करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो पसंद भी नहीं है. बट एनी वेज, ये है मेरा वॉशरूम जो कि मेरे रूम के मतलब बाहर ही है. थोड़ा इतना अटैच नहीं है बट ठीक है, चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप लोगों को दिखाता हूँ. सो दिस इज माई वॉशरूम, दिस इज, ये सिर्फ मेरा ही है. ऑब्वियसली सिर्फ मेरा ही है और ये कोई और यूज नहीं करता है. काफी ज्यादा एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है, छोटा सा नहीं है बिल्कुल भी. देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया. देयर इज लाइक अ बिग 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 मिरर हियर वेयर यू कैन चेक योरसेल्फ आउट एंड ऑल दैट स्टफ. देयर इज अ जकूजी, यू कैन एक्चुअली लाई डाउन, हैव यू नो अ थिंग और व्हाटएवर, हैव सेक्स इन द जकूजी और व्हाटएवर. एंड देयर इज अ कबर्ड दैट यू कैन कीप ऑल योर स्टफ, इट्स फुल ऑफ स्टफ ऑब्वियसली. बट एक स्टोरेज एरिया है, वो स्टोरेज एरिया नहीं है, बेसिकली वो वॉक इन क्लोजेट है. तो मेरा तो बहुत मन था कि मैं उसमें पूरा अपना क्लोजेट काम रखूं क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े हैं ये सब है, लेकिन
ये मेरा घर नहीं है, राइट? लाइक मैं शेयर करता हूँ, दोनों जने मिलके पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली उसका भी पूरा उतना ही राइट है जितना मेरा है. तो हमने उस एरिया को स्टोरूम बना दिया, हमने उसको उठा के, वो पूरा डेन है. मतलब डेन में यहाँ पे वैंकूवर में जो डेन एरिया होते हैं ना, उसको एज ए रूम बेचा जाता है. मतलब लोग यहाँ पे $800-900 दे के रहते हैं उस डेन एरिया में. कैन यू बिलीव इट? अभी मैं आपको वाली जगह दिखाता हूँ. वो एरिया जो हम दोनों के बीच में शेयर होता है, ये वॉक इन क्लोजेट बना हुआ है, दूसरे रूम के साथ अटैच है. इसमें आप जितने भी चाहो चीजें टंगा सकते हो, और बहुत सारी चीजें टंगा सकते हो आप इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है. यहाँ पे ये लोग इस चीज को डेन बोलते हैं, लेकिन इस वाले में तो हम लोगों ने तो पूरा अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है, जिसमें हमने पूरा सामान वगैरह सब ठूसा हुआ है. इसमें सारे मेरे कपड़े हैं, तो ये बेसिकली जितने बैग्स हैं इसमें सब मेरे कपड़े हैं. ये 1, 2, 3, 4 इसमें सब सर्दियों के कपड़े हैं. और इस साइड भी मैं तो इसमें पूरा अपना सामान उठा के टंगा देता, बट ये मेरे कमरे के साथ नहीं है. और बाहर पड़े पड़े काफ़ी मिट्टी भी लग जाती है, तो मैंने ऐसे नहीं रखा हुआ है, मैंने सब पैक करके रखा हुआ है अंदर. और आप देखोगे तो ये भी सब स्टोरेज ही है, मतलब इसमें भी आप पूरा सामान अपना रख सकते हो, अलग अलग टाइप का जो भी आपके पास है. तो स्टोरेज की कमी नहीं है. दिस बिल्डिंग हैज़ अ लॉट ऑफ एमिनिटीज़. लाइक यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप चिल कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप जिम कर सकते हो, ये सब कर सकते हो ना. सो नाउ आई विल शो यू ऑल दोज थिंग्स. टू स्टार्ट विद, ये पूरा एरिया बना हुआ है चिल करने का. मतलब आप कभी कभी ऐसे होता है आपके गेस्ट आते हैं, लोग आते हैं जिनको आप अपने रूम में नहीं लेके जाना चाहते, तो आप ऑब्वियसली उनको यहाँ पे लेके जा सकते हो, यहाँ पे लेके आप बैठ सकते हो. पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हो, यहाँ बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, चिल कर सकते हो. बहुत अमेजिंग एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ है, देखो अगर आप देखोगे तो. सो देयर इज लाइक एन एंटायर, लाइक दिस इज ऑब्वियसली, आई मीन बिकॉज वी लिव हियर, सो वी कैन एक्सेस दिस एरिया एनी टाइम. एंड यू नो, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग्स, या आपको सिर्फ लोगों को मिलना है, किसी डेट को मिलना है, या कुछ करना है, तो यहाँ बैठ के आप डेफिनेटली डेट मार सकते हो. फिर मेरा जिम एरिया, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो. सो दिस इज, and you need to have access of the key, then only you can enter these areas. Actually there's someone in the gym right now and I don't want to like disturb them. And this is the video conferencing room. You can have your meetings or lunches or dinners over here. Aap kuch bhi kar sakte ho, jo bhi aap karna chaho. Leke chalta hu bahar. This is the favorite part of my building, like this I love. So there's no smoking and anything else allowed in the, like you can't get your pets here. I love this area. This is like the area where you can chill, you can do whatever you want. So I'll show you my favorite part. मैं आपको दिखाता हूँ कितना amazing लगता है ये area. So अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे पूरा natural, इन लोगों ने ना artificial पूरी lake बनाई हुई है यहाँ पे. ये देखो, मैंने यहीं से ही video चालू करी थी. ये देखो, ये पूरी artificial lake बनी हुई है. Look at that, how amazing this looks, guys. And you can, you know, you can feel the cold breeze over here. This looks like a natural habitat or something, jo ki naturally bana ho, but ye artificially in logon ne banayi hai. So what I do is usually I come over here, to main aur mere friends hamesha khana wana leke hum log yahan pe aa jate hain. Yahan pe hum beer bhi pee lete hain aaram se, koi kuch nahi kehta hai. Yahan pe you can come chill with your friends, you know, have a fucking beer or whatever, and then enjoy the view and the cold breeze that comes out of because of this water. एंड यहाँ पे भी ऐसा ही है. मैं अब आपको एक बहुत अच्छा एरिया में लेके चलता हूँ. देखो इतना सही लगता है ना मेरे को एरिया, मतलब ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेरी बिल्डिंग का. ये देखो, यू कैन गो ओवर हियर एंड देन यू कैन क्रॉस ऑल ऑफ दिस. इन्होंने बनाया ही इसलिए है कि लोग इस सब चीज़ों को एंजॉय कर सके, राइट? यू नो, लाइक वेरी जंगल वाइब्स एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक अ लिटिल हाइक दैट यू हैव इन योर हाउस. कोई बाहर के लोग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं. तो यू आर लाइक प्रीटी सेफ. रात में कभी भी आ सकते हो आप, पूरी रात में कभी भी. फायदेमंद चीज मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, जो मेरे घर के बिल्कुल बाहर ही है. अगर मैं यहाँ पे 18th फ्लोर पे रह रहा हूँ, तो 18th फ्लोर से मैं बार बार नीचे नहीं आ सकता हूँ, राइट? कचरा डालने को, ये सब करने को, आई कांट कम एवरी डे, राइट? लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू कम एवरी डे एंड डू ऑल दीज थिंग्स. सो देयर इज अ हैक हियर. ये है वो रिफ्यूज रूम जो कि मेरे ही फ्लोर पे बना हुआ है. आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको खोलना और इसी में आप अपना पूरा कचरा डाल सकते हो ऊपर से ही, आपको नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है. सो कूल, आई मीन गाइस कम ऑन, ये तो बहुत ही कूल चीज है यहाँ की. इतना ही था, मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं इसके अंदर. मैंने आपको जो जो चीजें बनती है सब दिखा दिया. अब आप लोग सब मुझसे पूछोगे यहाँ के रेंट क्या है, रेंट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा मेरी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे मंथ में कितने, हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ. सो यू गाइज हैव टू सी इट एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. बाय.